जय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कि हाल ही में SSC ने जो है MTS और हवलदार की जो एक बम्पर वैकेंसी निकाली है। तो उस वैकेंसी के अंदर में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न होता भी है कि हमें जो है किस जो है पोस्ट के लिए जो है अपना जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। उसमें दो चीज़ें, एक MTS है और एक जो है हवलदार है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज जो है दोनों के बीच में डिफरेंस जो है पैरा वाइज बताऊंगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप जो है इजीली जो है ये चूज़ कर पाएंगे कि मुझे जो है किस जो है पोस्ट के लिए जो है जाना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, आज दोनों के डिफरेंस के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि MTS जो है ये ग्रुप सी की पोस्ट है और हवलदार भी जो है ग्रुप सी की पोस्ट है। MTS के अंदर में आपका जो है क्या कहते हैं, जो आपका जो सैलरी है वो है 29,000 रुपया अप्रॉक्सीमेट, और हवलदार की भी दोस्तों जो है सेम सैलरी जो है पैकेज रहता है 29,000 रुपया। तो सैलरी को अगर लिखते हैं, तो सैलरी के टॉपिक को हम देखते हैं, तो दोनों की सैलरी के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सैलरी जो है आपको सेम मिलेगी। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल जो है, क्योंकि MTS वर्क है, तो ये इसमें आपका होता है कि आपका ऑफिस वर्क है, आपका जो है कोई फील्ड वर्क नहीं होगा, आपको ऑफिस में जाना है, अपना काम करना है और अपना जो है टाइमली अपना घर पे अपना आ जाना है। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष में जब हम हवलदार की बात करते हैं, तो ये टोटल फील्ड ड्यूटी होती है दोस्तों, इसमें आपको फील्ड में जाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आप जो हैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपको रेड भी करनी है, तो उसमें अगर आप हवलदार के पोस्ट में हैं, तो आपको जो है आपके जो सीनियर से उनके साथ में आपको जो है रेड करने के लिए जाना होगा, ठीक है। अगर उसके साथ ही साथ जो भी इनके जो ऑफिस के जो कंपाउंड होते हैं, वहाँ भी जो है आपको जो है ड्यूटी जो है करनी होगी। तो ये इसमें जो हवलदार की जो पोस्ट है, इसमें आपकी जो है फील्ड ड्यूटी जो है आ जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। MTS क्योंकि ऑफिसर वर्क है, तो यहाँ पे कोई जो है आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होगी, आपको जाना है अपने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस के अंदर में जाकर के अपना ऑफिस टाइम पे अपना काम कर लेना। लेकिन हवलदार के अंदर में एक प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म दी जाएगी, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो उनकी यूनिफॉर्म जो है चूज़ की गई होगी, जो लायबल होगी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म आपको जो है ड्यूटी के टाइम पर पहननी होगी। अब हम बात करते हैं जॉब टाइम ड्यूरेशन की। तो दोस्तों, क्योंकि MTS जो है एक ऑफिशियल वर्क अंडर में आता है, तो आपका जो टाइमिंग होगा वो 9 to 5 होगा, ऑफिस टाइमिंग होगा। फिर उसके बाद अपना जो है घर पे आकर अपना जो है जो भी काम करना कर सकते हैं। लेकिन जो हवलदार की जो ड्यूटी होती है, इसके अंदर में आपका जो है नेचर ड्यूटी आपको कैसी मिलती है, आपको शिफ्ट बाई ड्यूटी जाना पड़ सकता है, ज़्यादा टाइम पर ड्यूटी करना पड़ सकता है, आपको नाइट ड्यूटी भी जो है इसमें करनी पड़ सकती है। तो इसकी जो ड्यूटी है वो शिफ्ट वाइज रहती है, नाइट ड्यूटी होती है और ज़्यादा टाइम के लिए ड्यूटी भी आ जाती है। बल्कि MTS के अंदर में ओनली ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से आपको 9 to 5 जाना होता है, क्योंकि इसे पूरा वर्क जो होता है ऑफिस रिलेटेड काम ही होता है। अब बात करते हैं हम हॉलीडे की। तो हॉलीडे के अंदर में जो भी GH है, गेजेटेड हॉलीडेज हैं, उसके अंदर में जब भी आपका ऑफिस बंद होगा, तो MTS के अंदर में आपको जो है कंपनी छुट्टी मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष में हवलदार के अंदर में अगर GH भी है, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी लगाई गई है, आपका टर्न बनता है, आपकी शिफ्ट आती है, तब आपको जो है उसमें ड्यूटी में जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको रेड में जाना है और अगर GH पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, तब भी आपको जो है अपने सीनियर के साथ में जो है हॉलीडे के दिन भी जो है ड्यूटी में जाना पड़ेगा। तो हॉलीडे यहाँ पे जो है आपको होते हुए भी जो है ना के बराबर जो है मिलता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। MTS क्योंकि ऑफिशियल इसमें कैडर में आ जाता है, तो इसमें ओनली जो है आपके रिटर्न एग्जाम होता है और सीधा आपका जो इंटरव्यू हो जाता है। वहीं हवलदार के अंदर में आपका रिटर्न एग्जाम तो होता है, लेकिन इसमें एक जो है टॉपिक इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर में आपका PhD और PET जो है टेस्ट आपको देना होता है, क्योंकि ये जो है एक यूनिफॉर्म जो है आपकी जो है जॉब हो जाती है। तो इसमें आपका एक ग्राउंड टेस्ट और एक आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी जो है लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आपको जो है जॉब मिलेगी। अगर मान लीजिए आप MTS की बात करते हैं, तो MTS के अंदर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपका जो है पोस्टिंग मिलता है। इसके साथ में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के जो बड़ी जो ऑफिसेज हैं, उसके अंदर में आपकी जो है ड्यूटी रहती है। तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स है, एक्सटर्नल अफेयर है, होम अफेयर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज़ हैं, हेल्थ कमीशन है, टेली कम्युनिकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सिविल एविएशन है, कंज्यूमर अफेयर है, MSME है, पार्लियामेंट अफेयर, CBIC एंड CBN। ये इस प्रकार के जो है आपके मोटे मोटे जो बड़े बड़े जो भी जो है ऑफिसेज हैं, उसमें आपका जो पोस्टिंग रहता है। वहीं हवलदार की अगर आपकी पोस्टिंग मिल जाती है आपको, तो उसमें आपको जो है CBIC, CBN, सर्विस टैक्स, कस्टम्स,
नार्कोटिक्स एंड सेंट्रल एक्साइज, ये मोटे मोटे जो है डिपार्टमेंट है, इसमें आपको जो है पोस्टिंग मिलता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन में जो है MTS जो है प्रमोशन के मामले में थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन होता है, जो फास्ट प्रमोशन कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि जब आप ज्वाइन हो जाते हैं तो 3 या 4 साल के बाद में आप सीनियर जो है क्लर्क हो जाएंगे या फिर LDC के तौर पर आप प्रमोट हो जाते हैं। वहीं दूसरी जगह पर जो है आपका टाइमली जो है इसमें जो है हवलदार के अंदर में प्रमोशन मिलता जाता है, तो प्रमोशन के मामले में थोड़ा सा ये जो है हवलदार रैंक बन जाता है, इसमें आपका फास्ट हो जाता है। दोस्तों ये जो है मेरे टॉपिक वाइज आपको निचोड़ बताया है कि MTS और हवलदार की जो पोस्ट है इसमें आपका जो है क्या चीज़ आपको जो है मिलेगी देखने को। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो है कौन सी जो है पोस्ट को जो है आप जो है चूज़ करना चाहते हैं, आपके जो है आपकी जो है फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हैं कि मुझे इस जगह पे जाके वर्क करना है। तो इस वीडियो को देख करके आप इजीली इसको चूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक का ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, अगर कुछ भी किसी प्रकार की आपको क्वेरी चाहिए, किसी प्रकार के आपको जॉब रिलेटेड अपडेट चाहिए और कोई भी प्रकार के कन्फ्यूजन होता है तो आप वहां जाकर ग्रुप को ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। उसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है अपना किसी प्रकार का क्वेरी जो है पूछ सकते हैं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी जो है हेल्प करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।